बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ज़िमस किचन। मैं हूँ ज़िमल, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं और मेरी फैमिली बिल्कुल खैरियत से। आज मैं आप लोगों के साथ मुल्तानी सोहन हलवे की इतनी कमाल की और इतनी लाजवाब रेसिपी शेयर करूँगी। ना ही अंगूरी की ज़रूरत है हमें, ना ही इसके अंदर लिक्विड ग्लूकोज की हम लोगों को जो है वो ज़रूरत पड़ेगी, ना ही इसके अंदर हम लोगों ने दलिया ऐड करना है। आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना है ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो सके। एक लीटर दूध है हमारे पास, जो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये फटा हुआ दूध है, अगर उसको वेस्ट नहीं करना। मैंने इंशाल्लाह उनसे बहुत सी रेसिपी फटे हुए दूध की शेयर करूँगी। पहले भी मैंने आप लोगों के साथ रसगुल्लों की रेसिपी शेयर की थी, तो भी हम लोगों ने फटे दूध से ही बनाए थे। तो आज मैं आपके साथ सोहन हलवे की रेसिपी शेयर करूँगी। ना लिक्विड ग्लूकोज की ज़रूरत है, ना ही दलिए की और ना ही अंगूरी की। चलिए जी, यहाँ पर इसका जो पानी होता है हम लोगों ने इसको पहले ड्राई कर लेना है, देन हम लोग जो अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर ये बगैर अंगूरी के बगैर लिक्विड ग्लूकोज के जो है हलवा इतना बनाना आसान है कि आप लोग जो जब भी आपका दिल चाहे आप लोग घर पे ये जो है तैयार कर सकते हैं। और इस तरीके से आपने ख़राब दूध को जो है ना वो वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, आप इसको जो है बहुत से तरीक़ों में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। चलिए जी, यहाँ पर आप लोग देखिए काफ़ी हद तक इसका पानी ड्राई हो चुका है। ऐड करना है इसके अंदर हम लोगों ने कोको पाउडर, आपके पास ब्राउन फूड कलर हो आप लोग वो ऐड करते हैं, बट मैं ऐड करूँगी इसके अंदर कोको पाउडर। अच्छा जी, वो हम लोग कलर पर डिपेंड करता है कितना हम लोगों को जो है कोको पाउडर ऐड करना है। हम लोगों ने तकरीबन हाफ टी स्पून के बराबर ऐड किया है, 1/4 कप के बराबर चीनी ऐड करेंगे हम लोग इसके अंदर, परफेक्ट क्वांटिटी है ये चीनी की। और यकीन करें हमारा सोहन हलवा जो है इतना लाजवाब जो है ना वो तैयार होगा। चले जी, यहाँ पर इसका जो बाकी पानी है वो भी हम लोग ड्राई कर लेंगे। ऐड कर देना है जिसके अंदर अब हम लोगों ने कॉर्नफ्लोर, ये जी मेरे पास तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर। ऐड करने से पहले इसको आप लोगों ने लाजमी जो है वो छान लेना है। अच्छा, अब आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूबल होता है। वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूला करें। 2 टेबल स्पून ऐड किया इसके अंदर हम लोगों ने घी, कर लेंगे इसके तरीके से बुनाई ताकि इसका पानी जो है वो बाकी सारा ड्राई हो जाए और अच्छे से हमारा हलवे का जो टेक्स्चर है वो तैयार हो सके। तो अच्छी सी इसकी हम लोगों ने जो घी ऐड करने के बाद जो वो बुनाई करनी है, एंड देन आप लोगों ने इस तरीके से बिल्कुल लाइटली इसका चम्मच जो है वो चलाना स्टार्ट कर देना है। और इस तरीके कंटेनर में अब हम लोगों ने इसको जो है वो फ्रीज़ करना है, यानी कि इसको हम लोगों ने अब ठंडा करना है। तो इसी तरीके से इसको इस तरीके से जार के अंदर हम लोगों ने कंटेनर में अपने रख लेना है। देखिए जी, माशाल्लाह हमारा हलवा जो अब इसका टेक्स्चर कितना खूबसूरत लग रहा है। जब ये थोड़ा ठंडा होगा तब आप इसका टेक्स्चर देखिएगा और भी ज़्यादा कमाल का हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास है जी पिस्ते और बादाम, इस तरीके से इसको हम लोगों ने रफी सा चॉप किया हुआ है। ये इसके ऊपर हम लोगों ने जो है वो अब ऊपर स्प्रिंकल कर देने हैं, एंड देन इसको हम लोगों ने स्पून की मदद से थोड़ा सा प्रेस कर देना है ताकि ये अंदर तक अच्छे तरीके से जो है फिट हो सकें। चले जी, एंड देन अब हम लोग इसको जो है थोड़ी देर बाहर रखेंगे कवर लगाकर। जब ये थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा देन इसको फ्रिज में रख लेंगे हम लोग। और यहाँ पे जो है फिर कर लेंगे इसको डिश आउट। अच्छा, इसकी एज को इस तरीके से हम लोगों ने सेपरेट कर लेना है। अब हम मैं आप लोगों को ये जो है डिश आउट करके दिखाऊंगी हमारा हलवा कितना कमाल का, कितना जो है वो लाजवाब बना है। चेक करें जी, माशाल्लाह हमारे हलवे की लुक किस कदर माशाल्लाह से खूबसूरत लग रही है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसकी कटिंग करनी है और यकीन करें कि इतना कमाल का, इतना टेस्टी लाजवाब हलवा बना है। फाइनल की तरफ चलते हैं। माशाल्लाह हमारा बहुत ही कमाल का, बहुत ही मज़ेदार मुल्तानी सोहन हलवा जो है विदाउट अंगूरी और विदाउट जो है लिक्विड ग्लूकोज जो है वो तैयार हुआ है। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। मुझे याद दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अपना फैमिली का ख्याल रखें, मुझे फैमिली को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। देखिए जी, कितना जो है हमारे कमाल का मुल्तानी सोहन हलवा तैयार हुआ है। मुझे याद दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।